Everyone, मैं आपके साथ एमडी कार्ड ट्वेंटी ट्वेंटी हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है बायोलॉजी का बायोलॉजी में जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन उसका आज हम एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू पीएमडीसी सिलेबस वो टॉपिक हमारे पास है साइटोप्लाज्म जम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एमडी कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इसको सबसे पहले अपनी बुक से इसको है डेफिनेशन पढ़नी है so इसमें जो आपने पढ़नी है, है, है इसकी केमिकल कॉम्पोजिशन क्या होती है इसके उसके बारे में आपने पढ़ना है देन उसके बाद सोल एंड जेल क्या होता है सोल एंड जेल जो सोल है वो हमारे पास नॉन विस्कस होता है इडल सोल्यूशन एंड जो जल है वो हमारे पास एक विस्कस सोल्यूशन होता है यह आपने है देन उसके बाद जो पेरिस पार्ट ऑफ सेल है आर ऑफ्टन लाइक ए जेल ये अगर आपने 2023 का लेटेस्ट फेडरल एमडी कैट का पेपर शजांबू का पेपर अगर आपने देखा हो तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि पैरिस पार्ट ऑफ सेल आर ऑफ्टन लाइक आ जेल तो ये पीटीबी की लाइन है ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास एक लाइन है तो आपने अगर आपकी बोर्ड की बुक में ये नहीं लिखी हुई लाइन तो आपने इसको अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लेना है देन उसके बाद साइटोप्लाज्म के मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन साइटोप्लाज्म के दो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास फंक्शन लिखे वह पीटीबी में इसमें बताया गया हुआ है कि साइटोप्लाज्म का मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन हमारे पास है कि ये स्टोर स्टोर हाउस हाउस ऑफ सर्टेन वाइटल केमिकल्स का है तो ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट इसका जो फंक्शन है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है देन उसके बाद जो सेकंड नंबर पर हमारे पास इसका फंक्शन आता है कि इट इज ऑल्सो साइट फॉर सर्टेन मेटाबोलिक प्रोसेसिस सच एस ग्लाइकोलाइसिस ग्लाइकोलाइसिस इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन नहीं है ये आपको पता होना चाहिए अगर वो क्वेश्चन पूछे कि वट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म तो उसका आंसर ये होगा कि ये एक्ट करता है स्टोर हाउस की तरह सर्टेन वाइटल केमिकल्स का ये स्टोर हाउस है फंक्शन के कॉन्सेप्ट के बाद आपने ये देखना है कि इस टॉपिक में हमारे पास कुछ फ्री फ्लोटिंग ऑर्गेनाइज के बारे में बताया गया है आपकी बोर्ड की बुक में अगर कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है तो वेल एंड गुड लेकिन अगर आपकी बोर्ड में फ्री फ्लोटिंग ऑर्गेनाइज के बारे में नहीं लिखा हुआ तो इसका कॉन्सेप्ट अगर आपने पी से लेना है या फेडरस से लेना है जरूर लेना है मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप फेडरल से ही पढ़ें क्योंकि उसमें कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अच्छी एक्सीलेंट जबरदस्त वाली इंफॉमेशन उसमें लिखी हुई है तो आपने वहां से इन्फॉर्मेशन लेनी है फ्री फ्लोटिंग ऑर्गेनाइलिस का यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है द फ्री फ्लोटिंग ऑर्गेनाइलिस सच एस माइटोकॉन्ड्रिया तो ये हमारे पास फ्री फ्लोटिंग ऑर्गेनाइलिस है देन उसके बाद एक्टिव मैस मूवमेंट क्या होती है एक्टिव मैस मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज इसका कॉन्सेप्ट आपने कवर करना है ये आज का आपका बस एक ही टॉपिक है साइटोप्लाज्म का इसको सबसे पहले आपने अपनी एफ की बोर्ड की बुक से पढ़ना है प्रोविंशियल बुक से देन उसके बाद आपने फेडरल से इसको लाजमी पढ़ना है ये था आपका बायोलॉजी का टारगेट फोर्टी देन हम केमिस्ट्री का टारगेट फोर्टी की बात कर लें कल के टारगेट में मैंने आपको एलडीहाइड्स अल, एंड कीटोन यानी कि कार्बोन एल कंपाउंड के मैंने आपको रिडक्शन रिएक्शंस करवाए थे आज के टॉपिक में आज के टारगेट में जो आप रिएक्शंस कवर करेंगे वो आपके पास है ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ कार्बोन एल कंपाउंड यानी कि एलडीहाइड एंड कीटोन के कार्बोन कंपाउंड एलडीहाइड एंड कीटोन का जो सबसे पहला हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन है वो हमारे पास है ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ एलडीहाइड्स और इसमें हमारे पास जो आपने इसमें जो कॉन्सेप्ट कवर करने हैं आपने इसके सारे रिएक्शन करने हैं देन

Solution, ये तीनों हमारे, पास, mild हमारे पास है ऑक्सीडेशन रफ कीटोन्स ऑक्सीडेशन रेक्शन कीटोन में आपने इसके सारे अच्छे तरीके से इसके कॉन्सेप्ट लेने अच्छे तरीके से इसको आपने जितने भी हमारे पास इसमें हमारे पास दिए गए हैं रिएक्शंस जितने भी एसिड ऑन टू एसिटिक एसिड एसिटिकिपेयर हो रहा है ये आपने देखना है ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हमारे पास दोनों ही ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ कार्बोन आइड कंपाउंड यानी कि पहला आपने कार्बन ऑक्सीडेशन रिएक्शन करना है एल्डिहाइड्स का हमारे पास है एंड दूसरा जो हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ये कीटोन्स का ये आपने सबसे पहले आपने अपनी प्रोविंशियल बुक से ही इसको पढ़ना है इसके आपने फेडर को हरगिज नहीं पढ़ना यह था आपका केमिस्ट्री का टारगेट फोर्टी देन हम ब, फिजिक्स के टारगेट 49 की बात कर लें। देन हम फिजिक्स के टारगेट फोर्टी नाइन की बात कर इसमें जो आज आप टॉपिक कवर करेंगे वो आप कवर करेंगे इंटरप्रिटेशन ऑफ और बोहस के जो डी ब्रॉगरी है वो इंटरप्रिटेशन यानी कि बयान करती है बोहज ऑर्बिटल्स को तो आपने ये देखना है कि ये कैसे बयान करती है इसमें सारा कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है देन उसके बाद ये हमारे पास डी डीप्रॉगरी हाइपोसिस यहाँ पे हमारे पास कुछ यहाँ पे मैथमेटिकल फॉर्म लिखी हुई इनको आपने देखना है ये साइड पर हमारे पास एक इंफॉर्मेशन बॉक्स लिखा हुआ है इसमें बताया गया वॉज आइडेंटिफाइड इन द सन यूजिंग स्पेक्ट्रोस्कोपी बिफोर इट वॉज डिस्कवर्ड ऑन द अर्थ तो ये सन पर डिस्कवर हुई थी विद्प ऑफ स्पेक्ट्रोस्कॉपी जब सबसे पहले अर्थ से भी पहले हुई थी सन के ऊपर तो यह आपने देखनी है इसमें जितने भी हमारे पास ये डायग्राम दी गई है हमारे पास इनको भी आपने कवर करना है डायग्राम बताई गई है वो भी आपने देखनी है इसमें यह हमारे पास थे तो सबसे पहले आपने अपनी बुक से देन उसके की, जो फिजिक्स की बुक है उससे आपने इसको लाजमी पढ़ना है।, है, है जितनी भी इंफॉर्मेशन है इंपॉर्टेंट यह था आपका फिजिक्स का टारगेट फोर्टी नाइन आई होप मैं आपको अपनी बात समझाने में कामयाब रहूंगा अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ एमडी कैटेंटी ट्वेंटी फोर शेयर करना ना भूलिएगा अल्लाह हाफिज